इस समय की बड़ी खबर कठुआ से। कठुआ के बसोली इलाके में एक चॉपर क्रैश हो गया है। आपको बता दें कि इस वक्त हम रणजीत सागर डैम के बिल्कुल किनारे खड़े हैं और मेरे सहयोगी आपको तस्वीरें अगर दिखा पाए तो ठीक इस झील के बीचों बीच जो आपको ये रेस्क्यू जो ऑपरेशन जो है शुरू कर दिया गया है। यहाँ पे जो स्टीमर दिख रहे हैं बिल्कुल ठीक इसके साथ जो है एक चॉपर जो है दुर्घटना का शिकार हो गया है और झील के बीच जा गिरा है, जिसके बाद यहाँ पर बचाव और राहत का कार्य यहाँ पर शुरू कर दिया गया है। आप ये भी तस्वीरों में साफ तौर पर देख सकते हैं कि एक चॉपर जो है वो ऊपर से जो आप देख सकते हैं कि पूरी निगरानी जो है इस इलाके की कर रहा है। हालांकि दुर्घटना का कारण क्या है उसके कारण का अभी तक नहीं पता चल पाया है, लेकिन इस समय की बड़ी खबर कठुआ इलाके से बसोली का यह इलाका पड़ता है। यहाँ पर ये एक चॉपर जो है वो क्रैश हो गया है, दुर्घटना का शिकार हो गया है, जिसके बाद यहाँ पर राहत और बचाव कार्य यहाँ पर शुरू कर दिया गया है। पुलिस की टीमें यहाँ पर मौके पर पहुँची हुई हैं, स्टीमर के जरिए यहाँ पर राहत और बचाव कार्य शुरू कर दिया गया है। सिविल एडमिनिस्ट्रेशन की टीमें यहाँ पर पहुँची हुई हैं। आपको ये भी बता दें कि अभी तक ये पुष्टि नहीं हो पाई है कि इसमें कितने लोग सवार थे और क्या उनको रेस्क्यू कर लिया गया है, क्योंकि यहाँ से थोड़ा दूर का इलाका है। मैं सहयोगी कहूँगा कि फिर से आपको पैन कर ये दिखाएगा ये इलाका जो है रणजीत सागर डैम का इलाका है और यहाँ पर बताया जा रहा है कि एक चॉपर जो है क्रैश होकर इस झील के बीचों बीच जा गिरा है, जिसके बाद यहाँ राहत और बचाव कार्य शुरू कर दिया गया है। टीमें यहाँ पर पहुँची हुई हैं स्टीमर के ज़रिए। आपको बता दें कि जो इलाका है ज़िला कठुआ का पुरथू का इलाका है, यहाँ पर ये चॉपर जो है दुर्घटना का शिकार हुआ है। आगे की अपडेट के लिए आप लोग देखते रहें जेके मीडिया। थोड़ी देर बाद हम आपको इस पूरे मामले की जानकारी देंगे कि आखिर ये किसका चॉपर था और कैसे ये दुर्घटना का शिकार हुआ है। टीमें जो हैं लगातार यहाँ पर पहुँच रही हैं। बसोली की जो टीमें हैं वो मौके पर पहुँच गई हैं। पुलिस प्रशासन और सिविल एडमिनिस्ट्रेशन की टीमें, इसके अलावा कठुआ ज़िला मुख्यालय से भी पुलिस के आला अधिकारी और कई टीमें यहाँ मौके पर पहुँच रही हैं। बसोली से वीडियो जर्नलिस्ट कुलदीप चौधरी के साथ सरबजीत सिंह, जेके मीडिया के लिए। कैमरे में